वहीं उन्नाव जिले में बुधवार को एक डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 19 लोग बुरी तरह से घायल हैं। वहीं बस को लेकर अब नई नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है। पता चला है कि ये बस महोबा के एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड थी और बिहार के शिवहर से दिल्ली इसका संचालन होता था। बस का हादसे का शिकार हुई बस की जांच शुरू हुई तो इसके बारे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। फर्जी पते पर निकाली गई इस बस को लंबे समय से सड़क पर दौड़ाया जा रहा था, साथ ही बस की पर्याप्त जांच ना होने का भी बात सामने आया है। इससे साफ हो रहा है कि परिवहन स्तर पर दौड़ती मौतों को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। वहीं उन्नाव में हादसे का शिकार हुई बस महोबा जिले में एक किसान के नाम रजिस्टर्ड थी। बस के कागजात में दर्ज पता भी फर्जी था। बस का परमिट और बीमा भी नहीं है, वही बस के कागज वैध नहीं है जैसे फिटनेस बीमा इत्यादि। यह बस महोबा के एक किसान के नाम रजिस्टर्ड है। बता दें कि 2018 में मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही एक बस के पलटने से उसमें आग लग गई थी। आग में झुलसकर 27 यात्रियों की मौत तक हो गई थी। तब भी फर्जी तरीके से बस का संचालन हुआ था। यह मामला बहुत संगीन माना जा रहा है। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कोलिजन हो गया जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा।